नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या, पेश है अब तक के मुख्य समाचार। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक सहित 3 लोगों की अब तक कोरोना ने ली जान। SBI कर्मी सहित जोगिंदर नगर के स्वयं सहायता समूहों की CEO कोरोना पॉजिटिव। माँ ज्वालामुखी के दर्शन करने पहुँच रहे श्रद्धालुओं को दर्शन पर्ची की टाइमिंग को लेकर नाराजगी। हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में 31 दिसंबर तक बुकिंग पर 40% छूट। पीएम नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को देश के नाम करेंगे अटल टनल। हिमाचल में कर्मचारियों को GPF पर मिलेगा 7.1% ब्याज। राज्यसभा में पेश हुआ कृषि विधेयक, सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग, चर्चा के दौरान हंगामा। कृषि विधेयकों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, अम्बाला में भारी पुलिस बल तैनात। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भेजा गया जहर वाला पैकेट, अधिकारियों ने छानबीन में पकड़ा। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। रविवार सुबह अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से एक नेरचौक मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक भी हैं। मेडिकल कॉलेज नेरचौक में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर प्रदीप बंसल का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। इनकी मौत चंडीगढ़ में हुई है। वे करीब 15 दिन पहले कोरोना की चपेट में आए थे। इसके बाद तबीयत खराब होने पर उन्हें IGMC रेफर किया गया। वहां से 2 दिन पहले चंडीगढ़ के IBY अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। रविवार सुबह उनका निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी भी मेडिकल ऑफिसर है, वह भी कोरोना की चपेट में आ गई थी, जिसके बाद दोनों आइसोलेशन में थे। इसके अलावा मंडी जिला की टिल्ली निवासी 60 वर्षीय महिला की नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। महिला की मौत आधी रात को हुई है। मंडी में अभी तक 15 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। इसके अलावा जिला मंडी में रविवार सुबह कोरोना संक्रमण के 29 मामले सामने आए हैं। इसमें जोगिंदर नगर के स्वयं सहायता समूहों की CEO सहित SBI सलापड़ का कर्मी पॉजिटिव पाया गया है। जिला मंडी में रविवार सुबह कोरोना संक्रमण के 29 मामले सामने आए हैं। इसमें जोगिंदर नगर के स्वयं सहायता समूहों की CEO सहित SBI सलापड़ का कर्मी पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा मंडी शहर के टारना, पुरानी मंडी, जेल रोड से 9 मामले आए हैं। वहीं कोटला से 2, सरकाघाट से 2, मंडप से 1, किसान भवन 1, बलद्वाड़ा से 1, चट्योट से 2 मामले हैं। जोगिंदर नगर नगर परिषद के स्वयं सहायता समूह की CEO के पॉजिटिव आने के बाद नगर परिषद के कर्मचारी और स्टाफ आइसोलेट हो गए हैं। प्रशासन इन सभी लोगों के प्राथमिक संपर्कों की तलाश कर रहा है। मंडी जिला में कोरोना संक्रमण के 1252 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 799 सक्रिय मामले हैं। मंडी जिला कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर है। कोरोना काल के बीच ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन मंदिर खुलने के बाद भी व्यवस्था पुख्ता न हो पाने से श्रद्धालु खासे परेशान हैं। ऐसा ही कुछ रविवार सुबह ज्वालामुखी में देखने को मिला। ज्वालामुखी शक्तिपीठ में बाहरी राज्यों से पहुंच रहे श्रद्धालुओं को स्थानीय प्रशासन द्वारा दर्शन पर्ची के इंतजाम पर खासी नाराजगी है। नाराजगी की वजह यह है कि बाहरी राज्यों से श्रद्धालु सुबह ही माँ ज्वालामुखी के दर्शन करने को पहुँच रहे हैं, लेकिन उन्हें दर्शन पर्ची मंदिर के समय के अनुसार सुबह 6 बजे नहीं मिल रही है। प्रशासन ने 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दर्शन पर्ची देने की व्यवस्था ऑफिस टाइम के मुताबिक कर रखी है, न कि मंदिर समय सारणी के मुताबिक। इसलिए श्रद्धालुओं का स्थानीय प्रशासन के प्रति गहरा रोष भी पनप रहा है। याद रहे कि मंदिर सुबह 6 बजे से खुल जाता है, ऐसे में शनिवार से आए श्रद्धालु सुबह तक परेशान दिखे। बाहरी राज्यों के लोगों के लिए प्रदेश के बॉर्डर खुलते ही सैलानियों की आवभगत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 6 माह से ठप पड़े होटल कारोबार को पटरी पर लाने के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में 31 दिसंबर तक कमरों की बुकिंग पर 40% छूट देने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने प्रदेश के करीब 60 होटलों में छूट देने का फैसला लिया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली और चंबा सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में स्थित निगम के होटलों में छूट की सुविधा मिलेगी।
कमरों की बुकिंग करवाने के लिए सैलानियों को पर्यटन निगम की वेबसाइट पर सभी होटलों की रेट लिस्ट के साथ जानकारी मिलेगी। निगम ने इस बाबत वेबसाइट को अपडेट कर दिया है। कोरोना संकट के दौरान सरकार ने कम से कम 2 रात के लिए होटलों की बुकिंग करवा कर आने वाले सैलानियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आने की बीते दिनों शर्त लगाई थी। इसके चलते प्रदेश में आने वाले सैलानियों की तादाद नहीं बढ़ी। अब सभी शर्तों को हटाते हुए प्रदेश के बॉर्डर खोल दिए गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सैलानियों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। बहुप्रशिक्षित अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन 3 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान पलचान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। पीएमओ से मिले टेंटेटिव शेड्यूल के आधार पर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस आधार पर मुख्य सचिव अनिल खाची ने उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर उद्घाटन समारोह की तैयारियों में जुटने के आदेश जारी किए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि 3 अक्टूबर को टेंटेटिव शेड्यूल है। कोविड काल के बीच टनल उद्घाटन के बहाने पीएम मोदी का हिमाचल दौरा कई मायनों में अहम होगा। प्रस्तावित योजना के तहत अगर पीएम की पलचान में जनसभा होती है तो ये कोरोना काल के बीच पार्टी की पहली रैली हो सकती है। बहरहाल हरी झंडी के बाद सीमा सड़क संगठन और हिमाचल सरकार 3 अक्टूबर की तैयारियों में जुट गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। एक जुलाई से 30 सितंबर के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ और इस तरह के अन्य फंड की ब्याज दर 7.1% रहेगी। हिमाचल के वित्त विभाग ने इस बारे में निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। पिछले तिमाही में भी यही ब्याज दर थी। प्रदेश में विभागों, निगमों, बोर्डो आदि के कर्मचारियों के लिए यही ब्याज दर देय होगी। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। राज्यसभा में सरकार ने कृषि से संबंधित विधेयक पेश कर दिए हैं। पुराने सहयोगी दलों की नाराजगी और किसानों के साथ विपक्ष की लामबंदी के बीच इन विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा और मतदान होगा। लोकसभा से पारित विधेयकों को राज्यसभा में पास करवाना सरकार के लिए चुनौती है। इसी कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवसेना और एनसीपी नेताओं से फोन पर बात करके विधायकों से समर्थन मांगा है। इसी बीच कृषि बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में हंगामा हुआ। वाईआरएस सांसद की टिप्पणी पर कांग्रेस भड़क गई और हंगामा किया। उधर माकपा के राकेश, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन और डीएमके के टी शिवा ने राज्यसभा की चयन समिति के पास विधेयकों पर संशोधन भेजा है। हरियाणा में कृषि अध्यादेशों पर अपने अपने तर्कों के साथ सरकार और किसान आमने सामने है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी हरियाणा ने आज प्रदेश भर में 3 घंटे रोड जाम आंदोलन का आह्वान किया। प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी और प्रवक्ता राकेश बैंस ने दावा किया कि इस आंदोलन में 17 किसान यूनियनों का उन्हें समर्थन प्राप्त है। उधर हरियाणा सरकार ने भी किसानों से आंदोलन की राह छोड़कर बातचीत का ऑफर रखा, मगर किसान फिलहाल आंदोलन के लिए कमर कसे हुए हैं। किसानों के प्रदर्शनों को लेकर हरियाणा गृह सचिव ने भी सभी जिलों के डीसी व एसपी को अलर्ट घोषित कर दिया है। इस संदर्भ में गृह सचिव ने सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि सभी डीसी, एसएसपी, एसपी इस रोड जाम का आह्वान करने वाले लोगों तक पहुंचें और शांतिपूर्ण धरने के लिए मनाएं।
यदि हाईवे जाम होते हैं तो दूसरे विकल्प एक रास्तों पर ट्रैफिक को तुरंत मूव किया जाए। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश नाकाम की है। साथ ही मादक पदार्थों के 58 पैकेट और 2 पिस्तौल बरामद की हैं। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध तस्करों ने शनिवार और रविवार की रात आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सीमा सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि बुधवार और बुलेचक सीमा चौकियों के सैनिकों की नज़र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट कुछ पाकिस्तानियों की संदिग्ध गतिविधि पर पड़ी। वे अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इस पर बीएसएफ ने गोलीबारी की और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज सुबह सघन तलाशी के दौरान मादक पदार्थों के 58 पैकेट, 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और कुछ गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच चौंकाने वाली खबर आई है। व्हाइट हाउस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप को जहर भेजने की कोशिश हुई। उन्हें रीसिन नाम का जहर वाला एक पैकेट भेजा गया, लेकिन इसे छानबीन के दौरान ही पकड़ लिया गया। अमेरिका के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जहर देने वाली साजिश को विफल कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 टेस्ट के बाद घातक जहर रीसिन की पुष्टि हुई है। अधिकारियों के अनुसार कोई भी काम की चीज व्हाइट हाउस पहुंचती है तो राष्ट्रपति तक पहुंचने तक उसकी गहन जांच की जाती है। ऐसे ही व्हाइट हाउस पहुंचने वाले सभी पत्रों और पार्सलों की छंटनी और जांच की जाती है, जिस पर अंदेशा होता है अलग कर लिया जाता है। इसी के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।